को मनाते हैं, उनकी कृपा प्राप्त करते हैं। मार्कंडेय जी ने कहा, हे पितामह, आप इस संसार में सबसे परम गोपनीय तथा मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करने वाला आज तक का ऐसा मंत्र जो आपने अभी तक किसी भी दूसरे के सामने प्रकट ना किया हो, ऐसा कोई साधन आप मुझे बताइए। ब्रह्मा जी बोले, हे ब्राह्मण, ऐसा साधन तो एक मात्र देवी कवच ही है जो परम गोपनीय है, पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों पर उपकार करने वाला है। महामुनि, आप इसका श्रवण करें। देवी की नौ मूर्तियां हैं जिन्हें हम नव दुर्गा के नाम से जानते हैं। उनकी अलग अलग नाम भी बताए जाते हैं। प्रथम माता का नाम शैलपुत्री है, दूसरी माता का नाम ब्रह्मचारिणी है, तीसरी माता का नाम चंद्रघंटा है, चौथी माता का नाम कुष्मांडा है, पांचवी दुर्गा का नाम स्कंद माता है, देवी छठे रूप में कात्यायनी कहलाती है, सातवां रूप माता का कालरात्रि है, आठवां स्वरूप माता का महागौरी है और नवी दुर्गा का नाम माता सिद्धिदात्री है। ये सभी नाम भगवान के द्वारा प्रतिपादित किए हुए हैं। जो भी मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं के द्वारा घिर गया हो या अत्यधिक विषम संकट में फंस गया हो तथा इस प्रकार किसी भी भय से आतुर होकर जो भगवती दुर्गा की शरण को प्राप्त होता है, उनका कभी भी कोई भी अमंगल नहीं होता है। युद्ध के समय विपत्ति आने पर उन पर शोक, दुख, भय किसी भी प्रकार की उनको प्राप्ति नहीं होती है। जिसने भी माता का भक्ति पूर्वक स्मरण किया है, उनका निश्चय ही अभ्युदय हुआ है। हे देवी, जो भी तुम्हारा चिंतन करते हैं, उनकी तुम निसंदेह रक्षा करती हो। चामुंडा माता प्रेत पर आरूढ़ होती हैं, वाराही भैंसे पर सवारी करती हैं, ऐंद्री का वाहन ऐरावत हाथी है, वैष्णवी माता गरुड़ पर सवारी करती हैं, माहेश्वरी वृषभ पर आरूढ़ होती हैं और कौमारी मयूर पर सवारी करती हैं, भगवान विष्णु की प्रेत माँ लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान हैं और हाथों में कमल को धारण किए हुए हैं, वृषभ पर आरूढ़ ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण किया हुआ है, ब्राह्मी देवी हंस पर विराजमान है और सभी प्रकार की आभूषणों से विभूषित हैं। इस प्रकार ये सभी माताएं हर प्रकार की योग व शक्तियों से संपन्न हैं। इनके अतिरिक्त और भी बहुत सी देवियां हैं जो अनेक प्रकार के आभूषणों व रत्नों से सुशोभित हैं। ये सभी देवियां अत्यधिक क्रोध से भरी हुई हैं और भक्तों की रक्षा के लिए रथ पर विराजमान रहती हैं। ये शंख, चक्र, गदा, हल, शक्ति, मूसल, तोमर, खेटक, परशु, पाश, त्रिशूल, कुंत, उत्तम, शार्गधनुष आदि अस्त्र शस्त्र अपने हाथों में धारण करती हैं, दैत्यों का नाश करती हैं, भक्तों को अभयदान देती हैं, देवताओं का कल्याण करती हैं। उनके अस्त्र और शस्त्र धारण करने का एकमात्र यही उद्देश्य है। अत्यंत घोर पराक्रम, महान रौद्र रूप, महान बलशाली, महान उत्साह वाली देवी, तुम महान हो, भय का नाश करने वाली हो, तुम्हें नमस्कार है। ऐसे स्वरूप वाली जिनकी ओर देखना भी कठिन है, शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली जगदम्बिका मेरी रक्षा करें, पूर्व दिशा में मेरी रक्षा करें, अग्नि कोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण दिशा में वाराही तथा नैऋत्य कोण में खड़ग धारिणी मेरी रक्षा करें, पश्चिम दिशा में वारुणी तथा वायव्य कोण में मृग पर सवारी करने वाली देवी मेरी रक्षा करें, उत्तर दिशा में कौमारी तथा ईशान कोण में शूल धारिणी देवी मेरी रक्षा करें, ब्रह्माणी तुम ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करो और हे वैष्णवी देवी आप नीचे की ओर से मेरी रक्षा करें, शव को अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी दसों दिशाओं में मेरी रक्षा करें, जया आगे से और विजया पीछे की ओर से मेरी रक्षा करें, वाम भाग में अजिता और दक्षिण भाग में अपराजिता मेरी रक्षा करें, उद्योतिनी शिखा की रक्षा करें, उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर मेरी रक्षा करें, ललाट में मालाधरी रक्षा करें और यशस्विनी देवी मेरी भौहों का रक्षण करें, भौहों के मध्य भाग में त्रिनेत्रा और नथनों की यम घंटा देवी मेरी रक्षा करें, दोनों नेत्रों के मध्य भाग में शंखिनी और कानों की द्वार वासिनी मेरी रक्षा करें, कालिका देवी कपोलों की तथा भगवती शंकरी कानों के मूल भाग की रक्षा करें, सुगंधा नाशिका की और चर्चिका देवी ऊपर की होठों की रक्षा करें, नीचे की होठों की अमृत कला तथा जिह्वा की माता सरस्वती देवी मेरी रक्षा करें, कौमारी दांतों की और चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करें,
चित्रघंटा गले की और महामाया तालु में रहकर मेरी रक्षा करें। कामाक्षी देवी ठोड़ी की और सर्वमंगला मेरी वाणी की रक्षा करें। भद्रकाली मेरी ग्रीवा की और धनुर्धरी मेरुदंड में मेरी रक्षा करें। कंठ की बाहरी भाग की नील ग्रीवा और कंठ की नली की नल कुबरी रक्षा करें। दोनों कंधों की खडिगनी और मेरे दोनों भुजाओं की वज्रधारिणी देवी रक्षा करें। मेरे दोनों हाथों की दंडिनी और अंगुलियों की अंबिका रक्षा करें। शूलेश्वरी नखों की रक्षा करें। कुलेश्वरी कुक्षी की रक्षा करें। महादेवी दोनों स्तनों की और शोक विनाशिनी देवी मेरे मन की रक्षा करें। ललिता देवी हृदय की और शूल धारिणी उदर की रक्षा करें। नाभि की कामिनी और गुह्य भाग की गुहेश्वरी रक्षा करें। पूतना और कामिका लिंग की और महिषावाहिनी गुदा की रक्षा करें। माता भगवती कटी भाग की और विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करें। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबला देवी दोनों पिंडलियों की रक्षा करें। नरसिंह की दोनों घुटियों की और तेजसी देवी दोनों चरणों के पृष्ठ भाग में मेरी रक्षा करें। श्री देवी पैरों की उंगलियों में और तलवासिनी पैरों के तलुओं में रहकर मेरी रक्षा करें। अपनी दाढ़ों के कारण महाभयंकर दिखाई देने वाली दृष्टा कराली देवी नखों की और उद्धर्व केशनी देवी केशों की रक्षा करें। रोमावलियों के छिद्रों में कौबेरी और त्वचा की वागेश्वरी देवी रक्षा करें। पार्वती देवी वसा मांस हड्डी रक्त मज्जा मेद की रक्षा करें। आतु की कालरात्रि और पित्त की मुक्तेश्वरी रक्षा करें। मूलाधार कमल कोशों में पद्मावती और कफ में चूड़ामणि देवी स्थित होकर मेरी रक्षा करें। नख के तेज की ज्वालामुखी रक्षा करें, जिसका किसी भी अस्त्र से भेदन नहीं हो सकता। अभेद्या देवी शरीर की समस्त संधियों में रहकर मेरी रक्षा करें। ही ब्रह्माणी मेरे वीर्य की रक्षा करें। छत्रेश्वरी छाया की धर्मचारिणी देवी अहंकार मन और बुद्धि की रक्षा करें। वज्र को हाथों में धारण करने वाली वज्रहस्ता देवी मेरे प्राण व्यान उदान अपान समान वायु की रक्षा करें। कल्याण से सुशोभित होने वाली भगवती कल्याण शोभना मेरे प्राणों की रक्षा करें। रस रूप गंध शब्द और स्पर्श इन सभी प्रकार के विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी मेरी रक्षा करें तथा सत्व गुण रजोगुण तमोगुण की रक्षा सदा नारायणी देवी मेरी रक्षा करें। वाराही आयु की रक्षा करें। वैष्णवी धर्म की रक्षा करें और चक्र को धारण करने वाली देवी कीर्ति यश लक्ष्मी धन और विद्या की रक्षा करें। हे इंद्राणी आप गोत्र की रक्षा करें। चंडिके आप मेरे पशुओं की रक्षा करें। महालक्ष्मी आप पुत्रों की रक्षा करें और भैरवी पत्नी की रक्षा करें। मेरे पथ की सुपथा तथा मार्ग की क्षेम करी रक्षा करें। राजा के दरबार में महालक्ष्मी जी रक्षा करें। सभी ओर रहने वाली विजया देवी सभी प्रकार के भय से मेरी रक्षा करें। हे देवी जो स्थान कवच में नहीं कहा गया है रक्षा से रहित है वह सब भी तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हो, क्योंकि तुम विजयशालिनी और पाप की नाशिनी हो। और यदि अपने शरीर का भला चाहे तो मनुष्य बिना कवच के कहीं पर भी एक पग भी ना जाए, कवच का पाठ करके ही यात्रा करे। कवच के द्वारा सभी ओर से सुरक्षित मनुष्य जहाँ भी जाता है वहाँ उसे धन और लाभ प्राप्त होता है तथा संपूर्ण कामनाओं की प्राप्ति होती है। वह जिस भी अभिष्ट वस्तु का चिंतन करता है उसको वह निश्चय ही प्राप्त होती है। और वह पुरुष इस पृथ्वी पर तुलना रहित महान ऐश्वर्य का भागी होता है। देवी के इस कवच से मनुष्य निर्भय हो जाता है, युद्ध में भी उसकी पराजय नहीं होती, वह तीनों लोकों में पूजनीय बन जाता है। माता का यह कवच देवताओं के लिए भी अति दुर्लभ है, जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं में श्रद्धा के साथ इनका पाठ करता है उसे देवी का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होता है तथा वह तीनों लोकों में कहीं भी पराजित नहीं होता। इतना ही नहीं वह 100 से भी अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। चेचक कोढ़ जैसी भयंकर बीमारियां भी नष्ट हो जाती हैं। अफीम भांग धतूरा विष सांप बिच्छू आदि के काटने से चढ़ा हुआ विष और तेल के संयोग आदि से बनने वाले कृत्रिम विष भी दूर हो जाते हैं, उनका कोई भी असर नहीं होता है।
धरती पर मारण मोहन आदि जितने भी आभिचारिक प्रयोग होते हैं तथा इस प्रकार के मंत्र यंत्र होते हैं, वे सभी इस कवच को हृदय में धारण कर लेने पर उस मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। पृथ्वी पर विचरण करने वाले ग्राम देवता, आकाशचारी देव, जल के संबंध से प्रकट होने वाले गण, उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता, अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, डाकिनी शाकिनी, अंतरिक्ष में विचरण करने वाली अत्यंत भयानक डाकिनियाँ, भूत पिशाच, ग्रह, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बेताल, कुष्मांड, भैरव आदि अनिष्टकारक देवता भी हृदय में कवच धारण किए रहने पर उस मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुष राजा की भांति सम्मान में वृद्धि प्राप्त करता है। यह मनुष्य के तेज की वृद्धि करने वाला एक अति उत्तम कवच है। इस कवच का पाठ करने वाला व्यक्ति इस भूतल पर कीर्ति और यश को प्राप्त करता है। जो भी पहले कवच का पाठ करके उसके बाद शपशति चंडी का पाठ करता है, उसकी जब तक वन पर्वत और यह पृथ्वी टिकी है तब तक यहाँ पुत्र पौत्र आदि संतान की परंपरा बनी रहती है और देह का अंत होने पर वह पुरुष भगवती महामाया के प्रसाद से नित्य परम पद को प्राप्त होता है, जो देवताओं के लिए भी अति दुर्लभ है। वह सुंदर दिव्य रूप धारण करता है और शिव के साथ आनंद का भागी होता है। इति देव्यः कवचम् सम्पूर्णम्।